आपकी लाइफ को सब्सक्राइब जी। शकील भाई क्या बता रहे हैं, शकील भाई क्या बात बता रहे थे? नन्ना साहब इज ए ग्रेट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होने में कोई, हाँ जी, उसके आर्टिस्ट होने में कोई वो नहीं है, कबाहत नहीं है, अच्छा आर्टिस्ट है, टाइमिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन सोने में आए हाय हाय सोने के भाव। बात यह है सोने में बेताल है। कैसे कैसे सोता है? एक आदमी रात को एसी चलाता है ना, सर्दी हो अगर मौसम खुनकी है तो रात को बंद करेगा ना एसी, ये गर्मी होती है तब बंद करता है। क्लोज डाले ना, देखे शक्ल, देखे आज आप पूछो ना क्या ट्रू, आज आप पूछो तो क्या हुआ, मेरे पट्टे खींचे रहते रात को, खींचे तो दोपहर में बंद कर रहे। कुछ सोचता हुआ कि दोबारा पाकिस्तान तोड़ के बनाना है, शहबाज शरीफ की तरह नहीं नहीं अल्लामा इकबाल को फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे भी सोते हैं बैठ के भी सोते हैं, बैठ के भी सोते हैं पैरों पर, फिर दो मिनट बाद मुंह उधर कर लेते हटाते तो बिल्कुल नहीं छोड़ते लेते रहते, मतलब खराटे तो बिजली बन सकती है, हाँ ये है, कूड़े से बनती है, पानी से बनने के खराटों से, डीजल से, तेल से, और भी बड़े तरीके, शमसी तवा नहीं, बिल्कुल इनकी नींद का मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, इसका इसके लिए गाता हूँ क्या, तुम कैसे भी सो हमें तुमसे प्यार है। चले अब तकाबली जायजा लेते हैं, आप कह रहे हैं कि शकील भाई कैसे सोते हैं, बताना चाहता हूँ, सोता हूँ तब बताएगा ना इसके होते हुए। अच्छी बात है, वो तो सोते ही नहीं है ये शकील भाई, ने बता दी ये पूछ लो, शकील भाई बीगो पे सोते हैं। नहीं नहीं सर, और कसम ले ले यही बताने लगा था ये, हाँ क्लोज कर बेटे, अब ये 4 से 5 घंटे हो गए अब यहाँ रख लिया, खबरें सुन रहे हैं बीगो पे बैठ, नहीं आप खबरें सुनिए, खबरें सुनता हूँ मैं, ये खबरें आपने टच करना मोबाइल को, अरे क्या है बे मैं कितना चौकन्ना, ये उठाया तो, और ये आदमी बैठ के सो रहा है, मैं कह रहा हूँ नन्ने, नहीं नहीं मैं कह नन्ना क्या हुआ, कोई आवाज नहीं आ रही है, सुबह पूछा क्यों बैठा हुआ था, भाई मैं सो रहा होता हूँ, ऐसे खनाटे नहीं लेता हूँ, एक सेकेंड आज रिकॉर्ड करूंगा। अरे कहाँ गया वर्दी? अब मजे की बात है, आज मैं आप लोगों को खर्राटे रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, बस नहीं वीडियो वीडियो ग्रुप पे है, वीडियो ग्रुप पे आज मैं डालूंगा में। शेरी के कौन सी सबकत से, कौन सी ऑक्टिव से लेते हो खर्राटे? मुश्किल से मुझसे मोहम्मद रफी साहब वाले या और मेरे घर वालों को पता है बात, बैठे बैठे सो जाते हैं, बैठे बैठे मुझे लगता है खड़े हुए भी सो जाते हैं, ये ऐसे बैठे हो ना चौकड़ी मार के, ये सोया हुआ है, बड़ी बात है ये सोया हुआ है, फिर कभी ऐसे हो जाए तो कभी ऐसे हो जाए, लेकिन सोता मैं यूं ये है, ये एक होता ना वो, एक मिनट मेरे साथ, ये साथ देखिए, ये होता ना नींद, ये ऐसे सोते हैं लोग, मैं भी सोता हूँ ऐसे, ऐसे कौन सोता है ऐसे सर, ऐसे है ना इसके अंदर थोड़ी, हाँ सर ऐसे कारे जहां जराज है अब मेरा इंतजार कर। इधर से डालो दवाई, इधर से निकले ये और ये और बैठ के
बैठ के ज्यादा। अच्छा मोहसिन आप बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं, आपने कभी महसूस किया कि जब इधर हो गया दो मिनट इधर हो गया कैमरा इधर सुता होता है? हाँ जी। और जिस करेक्टर में ऐनक लगा ले ओ उसे नाज भी। ये तो आपने कभी एक आधी बार होया होगा, कभी एक आधी बार यानी 150 नहीं नहीं आप देखे आप सभी उठा के देख ले, आप कबरनाथ उठा के देख ले, आप जीएनएन उठा के देख ले, देख रहे हैं आप कभी कभी वो इतने ज्यादा हो जाएंगे ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ 96 ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁਆ ਥਾ, ਮੁਝੇ ਸਖਤ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਥੀ 3-4 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਹੂੰ 2 ਦਫਾ ਸੋਇਆ। ਆਪ ਸੈੱਟ ਪੇ ਸੋ ਗਏ ਥੇ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਸੋਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਜੋ ਦਵਾਈ ਥੀ ਨਾ ਉਹ ਨੀਂਦ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਨੀਂਦ ਥੀ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋ ਰਾਜੀਵ ਰਾਏ ਕੇ ਘਰ ਸੇ ਆਇਆ ਤੋ ਵੋ ਸਟੋਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਥਾ, ਸਟੋਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋ ਹੁਆ ਨਹੀਂ, ਵਹਾਂ ਦਾਰੂ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ, तो मैं 2 बज गए रात से, मैं वहाँ से निकला तो वो सो गया और गाड़ी लग गई, गाड़ी लग गई और 4 बॉटल उसने मुझे तोहफा दिया, तो वो मैं उठा के जो मार रहा हूँ। तो दत्त साहब बड़े दत्त साहब सुनील दत्त साहब कहते हैं ओ यार ए माफ किया, चल तू दारू पीती गड्डी लाई सारा कुछ ए माफ किया, ए दस क्यों 4 बोतल क्यों नहीं भुलिया तू? तो ये अच्छा उसने कहा छोड़ी सामने ना क्लोज आया उस वीडियो क्लिप के जैकी श्रॉफ का। अच्छा वीडियो ये बता छोड़ी तुमने कैसे? हाँ ये ड्रग्स वगैरह कोई चीज नहीं है, मैं बताऊं तुझे अपना बस जिंदगी का मजा लेना चाहिए। वो मैं एक दिन आया वही बात कह रहा कि मैं आके सोया तो मैं उठा हूँ सुबह 9-10 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा खाने को कुछ दे दो, मेरा हमारा काम वाला था वर्कर था किस्सा सुना पुराना, तो कहते वो रोने लग रोने लग क्या हुआ तुझे क्या है क्या हुआ? कह रहे संजू बाबा आप 2 दिन बाद उठे, 2 दिन सोते रहे। और ये सर उन्होंने फिल्म में भी शामिल किया, संजू फिल्म में भी शामिल किया, और मैं ये शामिल कर रहा हूँ शकील भाई की जिंदगी में कि वो नींद आपने वो पूरी की, डेफिशिएंसी पूरी की क्योंकि आप सोते नहीं है। कुछ कैमरे थे कुछ सीसी इंसानी सीसी फुटेज वो बताती है, वो जो दवाइयां देखे ना इंजेक्शन उसके गुणवत्ता बहुत थी। आप एक जगह यार ये नेक और साले हमारे प्रोड्यूसर को कब ले इनको भी यहाँ से। एक शकील भाई जब गए ना तो मैं बड़ा डर गया, हालांकि मैं अस्पतालों में बहुत रहा हूँ, मेरा भाई मेडिकल कॉलेज में रहे हैं और मैंने हजारों डॉक्टर देखे हैं बनते हुए, उनमें FA की तैयारी इधर की, BA की तैयारी इधर की है ना, तो डॉक्टर मैंने देखे हैं बहुत माहौल पेशेंट और ये वो सारा जी। ये जो यहाँ नक्शा था मैं डर गया, मैं यार ये क्या हुआ, अस्पताल डालना है बेड पे, एक दो चीजें ऐसे ही जो वैसे ही होती हैं अब्तदाई जी जी, उसके बाद उठ के तो झुकते कर रहे हैं नर्सों को डॉक्टर को साहब मुझे कह रहे बात सुनो वीर साहब चले यहाँ से, इन्होंने कहना है कि होश में लाया बिल शिल बढ़ाएंगे चले इधर से निकले 20 मिनट में होश में आ गए हैं और यूं जूते पहन रहे हैं झुकते कर रहे हैं, लेकिन आगे जो नींद का एक डेफिशिएंसी ना वो काफी दिन रही, 2-3 दिन रही गाड़ी में बैठते भाई। यहाँ कुछ मैं चीजें रिमाइंड कराना चाहूंगा, आए जरा कैमरा इधर लाए, बेहोशी के आलम में है और वो डॉक्टर बड़ी खूबसूरत सी डॉक्टर थी, वो आई वो कहती है मेरा हाथ पकड़े और बिल्कुल कोई होश नहीं है सब मतलब कॉन्शियस में नहीं है, तो हाथ पकड़ा उसका उसने पूरा जोर लगाया लेकिन हाथ नहीं छोड़ा उसका। यानी एक दफा जिस पूरा जिस खूबसूरत डॉक्टर का हाथ पकड़ ले फिर उससे बड़ा ऑपरेशन करवा के जल्दी नहीं थोड़ा सा होश में आए तो पहली बात क्या की यार मैं पहली दफा ये बताने लगा हूँ मैंने कहा जी उड़ने का वक्त हो गया मैंने कहा नहीं शकील भाई अभी नहीं उड़ना नहीं उड़ने का वक्त हो गया, मैं उड़ने लगा मिसा फौरन मेरे पास आए कहते क्या कह रहे हैं, मैं कहा सर वो कह रहे हैं उड़ने का वक्त हो गया, कहते नहीं यार उनको हौसला दो सर, चलो 3 दफा आपने कहा मैं उड़ने लगा तो जो अच्छा हाँ तो वो उसमें नहीं था, मैं तो वो उदासी का बादशाह हूँ मैं, वो बिल्कुल मैं वो उसको ना फिर मल्टीप्लाई करता हूँ सिचुएशन को, ये मुझमें एक मेरे सिम कार्ड में
एक बुरी ऑप्शन है कि मैं अगर कोई चीज देख लूं तो उसको फिर मल्टीप्लाई करता हूं, उसमें फिर उड़ता हूं, फ्लाई करता हूं और अपने आप को रोकता हूं कि यार झटकता हूं, फिर यूं कि नहीं 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 ये मैंने नहीं देखना, फिर दुआ भी करता हूं। तो वो जो आया ना फिक्र ऐसे, तो मुझे बड़ा ऐसे लगा कि यार ये क्या, ओए करो ये करो वो करो फला करो। तो खैर वो ये ऐसे ही हुआ है, 15-20 मिनट में ये हुआ है। 21वें मिनट में जहां बैठ के जुकते कर रहे थे सर, वो 21वां मिनट पता क्या था, यानी कि मेडिसिन ने, टीकों ने, इंजेक्शन ने, ड्रिप ने असर नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो नर्स जो थी सिस्टर, उसने कहा ना ये तो कपिल शर्मा में नहीं आते, ये तो वो शो वाले एक्टर नहीं है, फॉरेन एक्टिव वाले मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, ये आपने उसको मुझे नहीं दिया था, नहीं वो तो खैर जहां भी जाएंगे कपिल शर्मा और फलाना फलाना, वे तो कपिल शर्मा तो, लेकिन जब शकील साहब ने वो मुझसे बार बार एक बात पूछ ली थी, आपको पता है कहां है आपको, मैं का ससुराल, लेकिन जब शकील वो पता क्या, वो कोई शो ही नहीं कर रही थी ना, इररिलेवेंट बात, वो कॉन्शियस कॉन्शियसनेस चेक कर रही थी, तो उसको इरिटेट हो गया ना कि ये क्या मतलब है, ये कैसा सवाल है। तो मैंने कहा वो शकील भाई वो हाँ ससुराल हूँ क्या हूँ ये वो रटा अठा जुकता हो। अच्छा एक और चीज, एक और चीज मैंने देखी कि बिल्कुल कॉन्शियस 1122 के वो आए हुए हैं और डॉक्टर टोनी लाइन पे है, डॉक्टर टोनी हमारे डॉक्टर है, जाहिर है राइटर भी है एक्टर भी है, सूफी तबस्सुम साहब के पोते, तो वो लाइन पे हैं, ये करें वो करें ये किया वो ले रहे हैं सारे। तो इन्होंने सुनी मेरी आवाज़ भी है कि तैसर मीर भी आ गया कमरे में, पहले बेहोश है, मुंह भी खुला हुआ, यूं अपनी कैप पकड़ी पता नहीं कैसे टटोल के यूं रख ली और यहाँ हाथ। मैंने कहा यार ये लाशऊर में भी अपना वो जो वो है कंटिन्यूटी है, और सारे सारे बेहतरीन बाल है, ऐसे थोड़ा सा इनसे ज्यादा है, ऐसे इनसे ज्यादा है, नहीं नहीं मैंने देखे वो घर में, हाँ अच्छा है मैंने देख लिया, ट्रांसप्लांट करा सकता था, तो मैं इतना वो टोपी यू नहीं, मैंने भी ये पूछा, मेरे मुझे ये एक लाइन याद है, अरे यार मीर साहब कहाँ है, मीर साहब को बोलो जाए सही हो जाएगा, इतना मुझे याद है। और सानू के अपने बोतल ली थी पंखे पे पड़ रहा वो, मैंने कहा था एडम ना मीर साहब को कहें जाके प्रोग्राम करें, तो मैंने कहा था मीर साहब कह रहे हैं प्रोग्राम जाए भाड़ में पहले आप ठीक हो, हां ये वहां पे जंगल में नहीं है कमरे में भी कहा था, नहीं मीर साहब क्यों आ गए, ये बात हुई वो मतलब, लेकिन जब बेहोश थे पहले तो मेरा दिल किया है क्या, जब बेहोश थे मैंने कहा रमजान तो है ही, पहले तो ट्राली मंगवाओ नहीं बन जाए अल्लाह माफ करे जैसे मैंने इसको पैदा किया। अब लव सुनना, ये अभी की बात नहीं है, जिस दिन मैंने 112 यहाँ मंगवाई थी इसके लिए, क्या था उस दिन पता नहीं, सर मेरा सर फट जाएगा, शकील भाई मैं क्या करूँ, मैं एस्प्रो हूँ कौन हूँ, मैं डिस्प्लिन हूँ कौन हूँ, मैं मर जाऊंगा शकील भाई, शकील भाई चले जाओ यहाँ से, मैं और यार सर्दी थी उन जमाने में, हाँ हाँ उस जमाने में सर्दी थी, फर्स्ट पहली जनवरी, हाँ पहली जनवरी से बता रहा हूँ आपको, अब मैं सर्दी में उतरा हूँ इसको लेके और मैं ऐसे ही उतर गया, मैंने कहा चल मोटे अब क्या करूँ, मैंने बताया न्यूज़ चैनल के न्यूज एंकर को, मैंने कहा सर ये उसकी तो ये तो मरने वाला हो गया, और कह रहा वो दवाई, मैंने कहा कौन सी दवाई मैं मंगवाता हूँ वो याद नहीं, मैंने कहा दल्ले जब तुम तो खा लेते हो, जब तुझे बीमारी है तो इसकी दवाई लिख के रख अपने पास, जब तुझे ये प्रॉब्लम हमेशा होती है तो आदमी लिख के रखता ना कि यार मैं कुछ होती ये दवाई मंगवा लेना, और गोली याद नहीं थी आ रही एक्सटोर, आज याद आई है, तो वो फिर उसको लेके खोल के ठीक करे दो दिन से क्या हो रहा है, दो दिन से फिर यही हो रहा है, जलन हो रही है पेट में,
मैंने कहा बर्नौल खा ले जा दफा हो जा। मेरे को क्या बोल रहा है यार, आपने ब्लड बैंक ये हम लोग से चलता है ना, वो पेट में आ गया। अच्छा छोड़ दे सलूक सौकना आ जाए इधर। नहीं नहीं आपके सामने इधर भी पीछे हो जाए ना। हां नहीं नहीं शकील भाई, अच्छा कोई अद्धी जी गल सुनांदा है और छोड़े वो तो और आगे। नहीं नहीं वो छोड़े बस, वो सोते ही नहीं है फिर सोते तबीयत तो खराब यार सोते नहीं। मैं सोता नहीं हूं, तू है प्रॉब्लम ना बताया कर। मैं तो खुद के सामने आया, मैंने बोलते उन्होंने मशीन गन लगी हुई थी। वैसे तो मैं अब नहीं बोलेगा किसी को सोते नहीं है, क्योंकि वजह ये है। अच्छा मैं क्या कहना, मेरे सोने की वजह मैंने शकील भाई को कह दिया। मैं क्या वो चेंज कर, तब की बातें जब आप बेहोश हुए थे उससे पहले की। कैमरा मैं क्या कैमरे कमरे चेंज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि फटा फूटा ये कह नहीं है। ये पहले की बातें अब नन्ना शहरी नहीं, नन्ना जो है नन्ना नन्ना कहते हैं आज भी उतना शफकत। और इसकी शफकत जो है वो मुझे सारी ठीक है चलो असी फिर आने जी। एक रिहर्सल इसके बाद जरी इधर आना बेटे।